बाजार कैसा है, ये जो बार बार ऊपर नीचे जो कि बाजार की फितरत होती है, लेकिन आज तो एक ही दिन के अंदर में काफी सारी चीजें दिखा दी उसने। हरा भी निशान दिखाया, लाल भी निशान दिखाया, थोड़े बड़े सही मूवमेंट्स भी दिखाए हैं, और है। लग रहा है कि जैसे एक्चुअली अलग जी क्रिप्टो के बहुत बाजार को ज्यादा, फॉलो कर रहे हैं या विदेशी बाजारों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वोलेटिलिटी है। हाँ जी बताइए सर, क्या करें। एलेक्स जी ये वॉलेटिलिटी तो मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगा इंडेक्स में तो हम लोग ऑप्शंस पे पैसा कैसे बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कल क्लोजिंग के टाइम पे, कल हम लोगों ने पहले पुट पे भी पैसा बनाया, कॉल पे भी बनाया, उसके बाद मैंने कल क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी का 17,800 का पुट एट अराउंड 20-30 रुपीज के करीब में इसको हम लोग लेके गए थे इन अ ह्यूज क्वांटिटी, जिसको आज खुलते ही हम लोगों ने 75 पे बेच भी दिया। एंड फिर हम लोगों ने कॉल लिया, फिर पुट लिया। तो ये वॉलेटिलिटी का फायदा हम लोगों के लिए, एनालिस्ट लोग के लिए जो हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, इसके लिए तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए रहता है सर। जी ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी, ये वैसे जो बाजार एक्शन का है, ये स्ट्रक्चर वीक ट्रेडर्स है के ना, लिए। जी वैसे बाजार का स्ट्रक्चर वीक है एलेक्स जी। अच्छा निफ्टी 18,156, और मैं बार बार बोला था कि 18,300, और उसके बाद आता है 18,156 का रेंज निफ्टी फ्यूचर का, और मैं स्पॉट का भी बता देता हूँ। आई थिंक स्पॉट का बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए निफ्टी स्पॉट के हिसाब से जो पहला जो रेजिस्टेंस जो आता है ना, 18,130 एंड 18,275, ये जो दो जोन है निफ्टी स्पॉट का, निफ्टी 50 का, ये रेजिस्टेंस जोन है यार। जब तक एक्चुअली अगर 18,275 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बाजार में कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, और ऑलमोस्ट इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और मैं निफ्टी ने एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन को भी ब्रेक किया है कल एंड आज फॉलो अप। तो मैं आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 18,150 के ऊपर, स्पॉट निफ्टी अगर 18,130-150 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 1 से 2 सप्ताह के अंदर मैं निफ्टी को 17,500 तक देख रहा हूँ। एंड अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि देखिए चार्ट भी वीक हो रहा है, डेली चार्ट भी वीक है, वीकली चार्ट में भी रिट्रेसमेंट आ रहा है, मंथली चार्ट में भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, और इसके साथ साथ FII का कैश में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ये न्यू ईयर के सेशंस में, इतने कम सेशन में उन लोगों ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ का कैश में स्टॉक्स बेच चुके हैं। तो एक FII का सेलिंग प्रेशर है, एक बड़ा इवेंट आने वाला है, बजट आने वाला है कुछ दिनों में, एंड उसके ऊपर से चार्ट वीक है। तो ये तीन चीज जो है ना, ये तीन चीज मतलब एनालिसिस में जब मैं इसको तीनों चीज को जब जोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा या तो कंसोलिडेशन या तो करेक्शन, ये दो चीज मेरे को दिख रहा है जब तक निफ्टी हायर लेवल के ऊपर नहीं चलता है। तो हायर लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं बुलिस नहीं हूँ। मैं बियरिस टू कंसोलिडेशन मोड पे हूँ कि मेरे को अगर बियरिस का ट्रेंड मिलेगा तो मैं बेचूंगा एंड सपोर्ट के पास वापस इसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो ये ट्रेंड अभी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे क्लाइंट्स मेंटेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मेंटेन कर रहे हैं। जी विकास सर, साथ ही साथ पर मेरे को बैंक निफ्टी के भी एक बार लेवल्स बता दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का 41,700 और 800, ये बहुत वाइटल सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 2,500 का फॉल आ जाएगा, और ऊपर में बैंक निफ्टी 43,000, 42,900 और 43,000, ये बहुत वाइटल रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी मेंटेन करता है, तब हम लोग बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। रेदर देन दैट, अगर रेजिस्टेंस के करीब जाता है, आप वहां पे सेल करिए या पुट ऑप्शन लीजिए। सपोर्ट के करीब अगर आ जाता है, तो वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा के कॉल ऑप्शन या बैंक निफ्टी फ्यूचर बाई करिए। तो ये रेंज को अभी प्ले करिए, रेंज अभी 1-2 दिन चलेगा, जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा तब एक बड़ा बड़ा मूव आएगा, एंड देयर विल द मूव विल बी वेरी बिग। ठीक है, तो फिलहाल रेंज के अंदर में है, और रेंज के अंदर में कैसे काम करना वो भी बता दिया है विकास जी ने, और जब रेंज टूटेगी तब क्या करेंगे, कैसे करना है वो भी बता देंगे वो, जब रेंज ब्रेक होगी तो।